शिक्षार्थियों नमस्कार। वाग्दा चैनल के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जिस विषय पे मैं परिचर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हूँ वो विषय है शिक्षार्थियों में जीवन कौशलों के विकास पर समुदाय का प्रभाव। शिक्षार्थियों, इन सारे शब्दों को समझना आवश्यक है कि जीवन कौशल क्या है और समुदाय किस प्रकार जीवन कौशलों के विकास को प्रभावित करता है और शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा का व्याप हमारे जीवन में कितना है, क्या शिक्षा का संबंध सिर्फ विद्यालयी विषयों तक ही है या फिर इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा है, क्या शिक्षा का संबंध केवल शिक्षण संस्थानों तक है या जिस परिवेश में एक शिक्षार्थी या एक बालक या एक बालिका रहते हैं वो पूरा परिवेश उसके शिक्षा का निर्माण करती है। आप इस मत के जरूर पक्ष में होंगे कि हमें आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी पक्ष हमारे आनंदपूर्वक जीवन जीने से संबंधित हैं, उन सभी से शिक्षा सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। शिक्षा सिर्फ विद्यालय विषयों तक सीमित नहीं है और ना ही केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, बल्कि शिक्षा उस परिवेश में, उस परिस्थिति में, उस परिवार में और बृहत्तर समाज में रहने वाले सारे लोग, शब्दों को समझना आवश्यक है कि जीवन कौशल क्या है और समुदाय किस प्रकार जीवन कौशलों के विकास को प्रभावित करता है और शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा का व्याप हमारे जीवन में कितना है, क्या शिक्षा का संबंध सिर्फ विद्यालयी विषयों तक ही है या फिर इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा है, क्या शिक्षा का संबंध केवल शिक्षण संस्थानों तक है या जिस परिवेश में एक शिक्षार्थी या एक बालक या एक बालिका रहते हैं वो पूरा परिवेश उसके शिक्षा का निर्माण करती है। आप इस मत के जरूर पक्ष में होंगे कि हमें आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी पक्ष हमारे आनंदपूर्वक जीवन जीने से संबंधित हैं, उन सभी से शिक्षा सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। शिक्षा सिर्फ विद्यालय विषयों तक सीमित नहीं है और ना ही केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, बल्कि शिक्षा उस परिवेश में, उस परिस्थिति में, उस परिवार में और बृहत्तर समाज में रहने वाले सारे लोगों तक शिक्षा का व्याप है। और जब एक बच्चे या बच्ची का विकास होता है तो सिर्फ शिक्षण संस्थान ही काफ़ी नहीं है उनके विकास के लिए, बल्कि पूरा का पूरा परिवेश, उस बच्चे या विद्यार्थी के परिवार के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, उस समुदाय के लोग और बृहत्तर समाज उसके विकास के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। जब हम शिक्षा के व्याप की चर्चा करते हैं कि शिक्षा का व्याप विद्यालयी विषयों तक ही नहीं बल्कि पूरे जीवन तक है, तब हम उन कौशलों की बात कर रहे होते हैं जिन कौशलों को सीखे बिना या जिन कौशलों के विकास किए बिना हम एक बेहतर जीवन नहीं जी पाए। तो इस रूप में हम ये देखेंगे कि जो जीवन से को जीने के लिए, एक बेहतर आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण कौशल हैं, उनका विकास किया जाना शिक्षाई माहौल में बहुत ज़रूरी है और उनके विकास किए जाने के लिए समुदाय का भरपूर सहयोग आवश्यक है। आपने 507 विषय पत्र में इस शीर्षक के अंतर्गत एक कहानी पढ़ी होगी। वो कहानी है मगरमच्छ, मुर्गी और छिपकली की। एक मुर्गी पानी पीने नदी किनारे जाती है, मगरमच्छ उसे खाने के लिए दौड़ता है। मुर्गी को अचानक इस नई परिस्थिति, इस संकटपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए उसके दिमाग में सोचता है कि क्यों नहीं मगरमच्छ को अपना भाई बनाया जाए। और मुर्गी चिल्लाती है कि भैया भैया, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। और मगरमच्छ रुक जाता है अचानक से, वो कहता है कि अरे, ये इतनी प्यार से मुझे भाई कह रही है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। अगले दिन भी वही घटना घटती है। बाद में मगरमच्छ के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि मुर्गी जो बाहर रहती है, जमीन पर रहती है, मैं पानी में रहता हूँ, ये मेरी बहन कैसे हुई।
तो ये सवाल छिपकली से कहता है कि तुम बताओ कि कैसे मुर्गी मेरी बहन हुई। छिपकली ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर मगरमच्छ को दिया कि चूंकि तुम भी अंडे से निकले हो, मैं भी अंडे से निकली हूँ और मुर्गी भी अंडे से निकली है। क्योंकि तीनों अंडे से निकले हैं इसीलिए हम आपस में भाई बहन हैं, हम सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। यह कहानी, ये कोई सत्य कहानी तो नहीं हो सकती, ये कहानी अपने में कई संकेतों को व्याख्यायित करने के लिए गढ़ी गई है। ये कहानी यह बताती है कि अचानक से यदि कोई भीषण समस्या, भीषण परेशानी हमारे सामने आ जाए तो हमारा रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है, हमारा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, हमारा जीवन कौशल हमारे काम आता है। और वही काम मुर्गी ने किया। मुर्गी यह विशेष परिस्थिति में मगरमच्छ के साथ अपना भ्रातृत्व संबंध, अपना एक सामाजिक संबंध स्थापित मुर्गी ने किया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि नहीं, मुर्गी ये मान लेती कि नहीं अब मगरमच्छ आ रहा है, अब मुझे मरना ही होगा। तो ये निगेटिविटी यदि मुर्गी के अंदर होती तो शायद मुर्गी मार दी जाती, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुर्गी के अंदर था कि नहीं, इस भीषण परिस्थिति से भी निकलने का मार्ग हमें मिल सकता है। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड का प्रयोग मुर्गी ने किया और सामाजिक संबंध स्थापित किया और मुर्गी की जान बच गई। यह कहानी यह बताता है कि जीवन जीने के लिए सिर्फ विद्यालयी विषय काफी नहीं है, बल्कि जीवन कौशल बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शिक्षार्थियों, आइए हम इस शब्द को समझें कि जीवन कौशल क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीवन कौशलों को के बारे में यह कहता है कि जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को प्रतिदिनों की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। हम अपने जीवन में नित नवीन चुनौतियों का सामना करते हैं, नित नवीन नई परिस्थितियों का सामना करते हैं, और उन परिस्थितियों से यदि हम घबरा जाएं, हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाए, तो हम उसके आगे समर्पण कर देते हैं और हार जाते हैं, और इसका परिणाम आगे हमारे जीवन के अंत तक, जीवन के अंत के रूप में भी आ सकता है। लेकिन यदि हम इस नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन स्थापित करें, हम इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें, तो शायद हम उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से, उस नवीन परिस्थिति से उबर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने परिभाषा में स्पष्ट किया। इस प्रकार हम देखें तो जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को कायम रखने में सहायता देती हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं और उनमें सुधार भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात है, ये लर्न किए जा सकते हैं। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, नोइंग इट इंक्रीजेज इट, जितना हम सीखेंगे उतना बढ़ेगा, जितना हम जानेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये लर्न बिहेवियर हैं और सीखे जा सकते हैं, और इसीलिए शिक्षाई माहौल में और उस परिवेश में जिसमें एक शिक्षार्थी का विकास हो रहा है, उस पूरे परिवेश में, उस परिवेश से जुड़े हुए सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन जीवन कौशलों के विकास में अपनी भूमिका अदा करें। जिस अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की भी चर्चा हुई, और उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। ये अनुकूली व्यवहार का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्य पद्धति के मामले में परिस्थिति के अनुरूप लचीला हो और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कर सके, नवीन परिस्थितियों से घबराकर उसके सामने समर्पण नहीं करे। नवीन परिस्थितियां आई हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, रिजिड व्यवहार ना करे, और यही वो आधार होगा कि वो उसे सफलता के मार्ग की ओर प्रशस्त करेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार है वो सकारात्मक व्यवहार। नकारात्मकता हमें हार दिलाती है, नकारात्मकता हमारा नाश कराती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक व्यवहार रखें, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें मार्ग सूझता है। तो सकारात्मक व्यवहार का अभिप्राय है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण, समस्या के समाधान और बेहतर भविष्य के अवसरों को देख पाए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन, भले ही हम सारे विद्यालयी विषयों को सीख लें, लेकिन हमारा जीवन जीना ही दुभर हो जाएगा। इसीलिए अनुकूली व्यवहार और सकारात्मक व्यवहार
ये इस रूप का जो जीवन कौशल है ये एक शिक्षाई परिवेश में और एक विकास के परिवेश में शिक्षार्थी को सीखना और पूरे परिवेश से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सिखाना आवश्यक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो विद्यार्थियों को उत्पादक जीवन जीने में सहायता देती हैं। जीवन कौशलों का व्यवहार शिक्षार्थियों को अपनी वैयक्तिक और सामाजिक गुणों जैसे आत्मसम्मान, आत्मबोध, करुणा, अन्य व्यक्तियों के लिए सम्मान का भाव, विश्वास आदि को बढ़ाने में सहायता देती है। शिक्षार्थियों जीवन कौशलों के कुछ प्रकारों पे भी बात हम कर लें। आपको जो पुस्तिका अवेलेबल कराई गई है 507 उसमें 10 प्रकार के जीवन कौशलों का जिक्र है। WHO ने एक इसमें से जीवन कौशल को 3 हिस्सों में बांटा है और इस रूप में WHO ने 12 जीवन कौशलों का जिक्र किया है, लेकिन समग्र रूप में इन जीवन कौशलों को 3 बड़े हिस्सों में हम बांटते हैं। पहला जो कौशल है वो चिंतन कौशल है। चिंतन कौशल के अंतर्गत सृजनात्मक चिंतन, जिसे समानांतर चिंतन भी WHO की रिपोर्ट में कही गई है, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय निर्धारण, समस्या समाधान, ये 4 प्रकार के कौशल चिंतन कौशल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो सामाजिक कौशल है, इसके अंतर्गत भी 4 प्रकार के कौशल हैं, आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस, प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध और समानुभूति एम्पैथी, ये प्रमुख सामाजिक कौशल हैं। और 2 प्रकार के जीवन कौशल आपने पढ़े होंगे अपनी पुस्तिका में, एक संवेदनाओं पर नियंत्रण और दूसरा तनाव पर नियंत्रण। इसी संवेदनाओं पर नियंत्रण जीवन कौशल को WHO ने 3 हिस्से में दृढ़ता, धैर्य और लचीलापन के रूप में व्याख्या किया है। ऐसा नहीं है शिक्षार्थियों की यही 10 प्रकार के जीवन कौशल हैं और कोई जीवन कौशल संभव नहीं हो सकते। जीवन कौशल हमारे जीवन जीने के लिए हर एक प्रकार की जो भी ज़रूरतें, जिस भी स्किल्स की ज़रूरत है, वो सारे के सारे स्किल्स जीवन कौशलों के सूची में आएगा और ऐसे हज़ारों प्रकार के कौशल जीवन कौशल बन सकते हैं। यह समझने के लिए कई प्रकार के कौशलों को मिला के एक प्रकार के कौशल हम व्याख्यायित करने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए WHO ने और आपकी पुस्तिका में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भी जीवन कौशल हैं और उनको अलग से आप समझ और जान सकते हैं। शिक्षार्थियों आइए अब एक एक करके हम इन विशेष प्रकार के कौशलों को समझें और देखें। पहला जो कौशल है चिंतन कौशल, इनमें मौलिक ढंग से सोचने, निर्णय निर्धारित करने, समस्याओं का समाधान करने और सूचनाओं के सही विश्लेषण के कौशल आदि शामिल हैं। व्यक्ति को इस बात का मूल्यांकन करने में भी दक्ष होना चाहिए कि उसके मौजूदा कार्यों का दूसरे के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अक्सर सिर्फ अपने कार्यों का विश्लेषण अपने से जुड़े परिणामों को ही ध्यान में रखकर करते हैं, जबकि हमें पूरे परिवेश को ध्यान में रखकर अपने कार्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण करना चाहिए। उनमें वैकल्पिक हल निर्धारित करने और स्वयं अपने मूल्यों और अपने आसपास के लोगों के मूल्यों के प्रभावों का विश्लेषण करने की योग्यता भी जीवन चिंतन कौशल के अंतर्गत आती है। चिंतन कौशलों के जो प्रमुख प्रकार 4 प्रकारों का जिक्र किया गया, आइए अब एक एक करके हम उन प्रकारों को समझते हैं। पहला जो प्रकार है सृजनात्मक चिंतन, जिसे समानांतर चिंतन के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। सृजनात्मक चिंतन हमें रोजमर्रा की जिंदगी की स्थिति में अनुकूली और लचीले ढंग से जवाब देने में मदद करती है। यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से परे उपलब्ध विकल्पों और हमारे कार्यों के विभिन्न परिणामों की खोज करने से संबंधित है। रचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन या समानांतर चिंतन किसी भी चीज को नए तरीके से करने की योग्यता है, जिसमें प्रवाहता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार होता है। चूंकि हम भिन्न भिन्न नई समस्याओं का सामना करते हैं, नई परिस्थितियों का सामना करते हैं, इसीलिए जो हमारा एक खास पैटर्न का चिंतन है, एक परंपरागत चिंतन है, एक रूढ़िवादी चिंतन है, उससे हम इन नवीन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। नवीन परिस्थितियों का हल निकालने के लिए हमारे चिंतन में नोबेलिटी होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, जो उस परिस्थिति के में उत्पन्न समस्या के समाधान की ओर हमें ले जाए।
इसलिए सृजनात्मक चिंतन चिंतन कौशलों में एक प्रमुख कौशल है। दूसरा जो चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन। अक्सर हम जो चिंतन करते हैं, जो जानकारियां हमारे पास आती हैं, उन जानकारियों का बिना विश्लेषण किए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक खास प्रकार की विचार से हम उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ने की बजाय गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता हमें जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं उन जानकारियों का सही विश्लेषण करने की ओर बढ़ाती है और निष्पक्ष रूप से अनुभव करने में सक्षम बनाती है, हमारी सोच और कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करती है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन कौशलों का एक महत्वपूर्ण कौशल है, और इसके बिना हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को ठीक ढंग से न समझ पाएंगे और न ही उसके हल की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए आलोचनात्मक चिंतन कौशल अनिवार्य रूप से शिक्षार्थियों के में विकसित होना चाहिए और पूरे परिवेश में जुड़े हुए लोगों को इसमें सहायता करनी चाहिए। जो अगला चिंतन कौशल है वो निर्णय निर्धारण है। हम अक्सर विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय तक नहीं पहुंच पाते या निर्णय लेने में इतनी देरी कर देते हैं कि उस परिस्थिति में हम समस्या समाधान कर ही नहीं पाते, बहुत देर हो जाती है। इसीलिए यह कौशल विकसित किया जाना बहुत ही जरूरी है कि हम सही समय में, कम समय में सटीक निर्णय की ओर बढ़ सके। निर्णय निर्धारण की कुशलता हमारे जीवन के निर्णयों में हमारी रचनात्मकता से भी संबंधित है। हम जब कंस्ट्रक्टिव होंगे, हम जब क्रिटिकल होंगे, तभी हम एक सही निर्णय की ओर बढ़ पाएंगे। जो अगला चिंतन कौशल है वो समस्या समाधान कौशल है। हमारे सामने कई प्रकार की नित नवीन समस्याएं आती हैं, और अक्सर जब हमसे उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो हम हार के समस्या के सामने समर्पण कर देते हैं। जबकि हम यदि क्रिटिकली, हम यदि अपनी क्षमताओं का उपयोग करके हम सृजनात्मक ढंग से उस पूरी समस्या को समझें और उसके समाधान की ओर बढ़ें, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और हम अनुकूलन का कार्य करें, अनुकूली व्यवहार प्रदर्शित करें, तो शायद हम उस समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं। समस्या समाधान कौशल न केवल हमारी समस्या को नियंत्रित करने के लिए हमें सशक्त बनाता है, बल्कि उन्हें अवसरों में बदल सकता है। यह निर्णय लेने, भावनाओं और तनाव पर नियंत्रण रखने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये चार कौशल चिंतन कौशल के रूप में मैंने आपके सामने रखा, जो आपकी पुस्तिका में व्याख्यायित है। अगला जो कौशलों का प्रकार है वो है सामाजिक कौशल, और इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक संवाद करने, सक्रिय रूप से सुनने और भावनाएं व्यक्त करने और पृष्ठपोषण देने की योग्यता शामिल है। समाज में जीने के लिए जिन जिन कौशलों की आवश्यकता है, वो सारे कौशल जिस जो हमारे परस्पर संबंधों को विकसित करते हैं, संबंधों को बेहतर करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं लोगों को, वो सारे कौशल सामाजिक कौशल के दायरे में आते हैं। इसमें बातचीत करने, इनकार करने, ये बहुत बड़ी बात है। हम विभिन्न परिस्थितियों में जो गलत चीज़ें हैं उन्हें रोकने के लिए या खुद हम गलत काम न करें इसके लिए मना भी नहीं कर पाते, तो मना करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी एक सामाजिक कौशल में आता है। अच्छा, मना हम करते हैं तो इस ढंग से करते हैं कि हमारे संबंध खराब हो जाए, तो एक ठीक ढंग से इस प्रकार से मना करने का कौशल सीखना कि हमारे संबंध भी प्रभावित ना हो और हम उस गलत कार्य से भी बच जाएं, ये भी सीखना आवश्यक है। और अपनी बात को बलपूर्वक कहने का कौशल भी सामाजिक कौशल में आता है, और ये जब हम सीखते हैं तो टकराव और संघर्ष की स्थिति कम होती है, उसके संभालने की योग्यता हम अपने अंदर विकसित कर पाते हैं। समानुभूति एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। समानुभूति दूसरों के मनोभावों व मनोदशा को उसी रूप में अनुभव करने की योग्यता है जिस रूप में उस विशेष मनोदशा वाला व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। इस प्रकार यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक कौशल है। समानुभूति सिंपैथी से बहुत आगे की चीज़ है।
समानुभूति वही दर्द वही कष्ट हमें अनुभव करने के लिए बाध्य करती है जिस दर्द व कष्ट को सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है। जब तक समानुभूति का विकास हम अपने अंदर नहीं करेंगे, समाज के लोगों की मूल समस्याओं को सटीक रूप से ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और जो सामाजिक कौशलों में चर्चा होती है कि समूह कार्य और सहयोग करने की योग्यता, ये योग्यता यदि हमारे अंदर विकसित होगी तो हम बड़े कार्य कर पाएंगे, क्योंकि अकेला हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। बड़ा कार्य करने के लिए हमें समूह की जरूरत होती है, और ये तब हम कर पाते हैं जब आसपास के लोगों के प्रति हम सम्मान का भाव भी प्रकट करते हैं। क्योंकि सम्मान का भाव प्रकट किए बिना हमारे सामाजिक संबंध ठीक नहीं होंगे, और जो समूह कार्य हम कर रहे होंगे उसमें सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो ये भिन्न प्रकार के सामाजिक कौशल हैं जिनको चार प्रकारों में समाहित किया गया है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में की। अब आइए एक एक प्रकार को हम लोग ध्यान से देखें। पहला जो सामाजिक कौशल है, आत्म जागरूकता। हम अक्सर अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपने वैल्यूज, अपने दृष्टिकोणों, अपने मूल चरित्र, अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को बहुत कम समय देते हैं। हम अपने को समझने के लिए समय ही नहीं देते जीवन की भागदौड़ में। और जब हम अपने शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों, दृष्टिकोणों, चरित्रों आदि को समझ नहीं पाएंगे, जब हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, तो विभिन्न परिस्थितियों में हम सही निर्णय, सटीक निर्णय की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आत्म जागरूकता अत्यंत आवश्यक सामाजिक कौशल है। दूसरा जो सामाजिक कौशल है, प्रभावी संप्रेषण। हम अपनी बात सही सटीक रूप से सामने वाले के को प्रस्तुत कर पाएं, उसे समझा पाएं, यह बहुत जरूरी होता है सामाजिक संबंधों के निर्वहन में। तो प्रभावी संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से अपने विचारों, भावनाओं को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत तरीके से अभिव्यक्त करने की योग्यता है। ऐसा भी नहीं है कि हम उस तरीके का प्रयोग करें जिस तरीके को समाज में स्वीकृति ही नहीं मिली। जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग संसद में वर्जित है, वैसे ही हम जब संप्रेषण कर रहे हों तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्दों का चयन, हमारे वाक्य का चयन, हमारी भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए जिस प्रकार के कंटेंट का चयन हम करते हैं वो सटीक है या नहीं। जो अगला सामाजिक कौशल है, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध कौशल लोगों को सकारात्मक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह मित्रतापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे मानसिक और सामाजिक बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह व्यक्ति के संबंधों को रचनात्मक रूप से समाप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसका जिक्र हमने पूर्व में किया कि हम मना करने का कौशल हमें सीखना चाहिए। हमें यदि किसी की बात को लेके किसी की बात हमें पसंद नहीं है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं है, तो हम जिस प्रकार से संबंध समाप्त करते हैं वो ठीक नहीं होता है। संबंध हम ऐसे समाप्त करते हैं कि भविष्य में उससे मुलाकात हो तो हम बातचीत ना कर पाए। लेकिन संबंध हमें समाप्त कैसे करना है, इस मोड़ पे समाप्त करना है कि आगे भी यदि कभी हमें बात करने का मौका मिले तो कोई गुंजाइश शेष रहे। यानी हमारा दो व्यक्तियों के बीच में संबंध समाप्त करने में भी रचनात्मकता झलकनी चाहिए, और ज़्यादातर हमें एक दूसरे को जोड़ने वाले कार्य करने चाहिए, पारस्परिक संबंध को बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए। और अगला जो सामाजिक कौशल है, समानुभूति, इम्पैथी, जो सिंपैथी के आगे का की स्थिति है। ये वही कष्ट, वही दर्द, वही परेशानी अनुभव करने की स्थिति है जो कष्ट झेलने वाला व्यक्ति अनुभव करता है। यानी समानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति वही अनुभूति करने की क्षमता है जो व्यक्ति स्वयं के स्तर पर करता है। यह अन्य व्यक्तियों की अनुभूतियों और परेशानियों को यथावत समझने की योग्यता है। समानुभूति हमें जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने में सहायता प्रदान करती है, फिर भले ही वह व्यक्ति हमसे अलग प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो।
अब हम भावात्मक कौशल का जिक्र करते हैं। भावात्मक कौशल वे कौशल हैं जो नियंत्रण के आंतरिक केंद्र को बढ़ाते हैं, ताकि व्यक्ति यह विश्वास करे कि वह अपने व्यवहार के माध्यम से परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकता है, परिवर्तनों को प्रभावित कर सकता है और परिवर्तन ला सकता है। प्रमुख भावात्मक कौशल, दो कौशलों का जिक्र मैंने आपसे किया। पहला जो भावात्मक कौशल है, संवेदनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। इसके चार प्रमुख चरण हैं, स्वयं की संवेदनाओं को समझना, दूसरों की संवेदनाओं को समझना, स्वयं की संवेदनाओं को समझते हुए अपने व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करना, दूसरों की संवेदनाओं को समझते हुए उचित रूप से प्रतिक्रिया देना व अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये चार पक्ष हैं। हमें अपने इमोशन को समझना है, दूसरे के इमोशन को समझना है, अपने इमोशन को समझते हुए कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, और दूसरे के इमोशन को समझते हुए हमें अपने व्यवहार पे परिवर्तन करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये सारी सारे स्किल्स संवेदनाओं पर नियंत्रण से संबंधित हैं। और अगला जो भावात्मक कौशल है, तनाव पर नियंत्रण। आज की जो सदी है, तनाव की सदी कही जाती है, और इस सदी में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम कैसे तनाव पर नियंत्रण स्थापित करें या सीख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में तनाव के स्रोतों को हम पहचानें, यह भी पहचानें कि तनाव हमें कैसे प्रभावित करता है, और अपने वातावरण या जीवन शैली को बदल कर इस प्रकार से कार्य करें कि हमारे तनाव का स्तर नियंत्रण में रह सके। अब शिक्षार्थियों, हम बात करते हैं कि शिक्षार्थियों के जीवन कौशलों में, कौशलों के विकास में समुदाय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है या समुदाय किस प्रकार प्रभाव डालता है। समुदाय विद्यालयों के साथ मिलकर शिक्षार्थियों में मूल्यों और मानव जीवन की मूलभूत जरूरतों के बारे में जागरूक बनाने के लिए विभिन्न आनंदपूर्ण गतिविधियों को व्यवस्थित करने में योगदान दे सकता है। शिक्षार्थियों में जीवन कौशलों व मूल्यों का विकास करने में शिक्षण संस्थानों से अधिक प्रभावी भूमिका समुदाय निभाता है, क्योंकि एक शिक्षार्थी समुदाय के बीच ज़्यादा समय बिताता है। शिक्षण संस्थान में तो कम कुछ घंटे भी बिताता है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन उसका समुदाय में बीतता है, इसलिए समुदाय की भूमिका बड़ी है। समुदाय और विद्यालय में यदि उचित तालमेल हो तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों से संबंधित सामग्रियां हैं या नहीं, या संतोषजनक हैं या नहीं, और जो जीवन कौशलों का व्यवहारिक पक्ष है वो उसका समावेश पाठ्यचर्या में हुआ है या नहीं। जीवन कौशल की जो शिक्षा है मूल रूप से औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा की अभिकरणों से प्राप्त की जाती है। यदि परिवार एवं समुदाय कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हैं तो शिक्षार्थियों में भी इन जीवन मूल्यों का विकास होता है। विद्यालयों की अपनी सीमाएं हैं, शिक्षण संस्थानों की सीमाएं हैं, यह शिक्षार्थी के साथ प्रत्येक स्थान पर नहीं हो सकता, लेकिन समाज और समुदाय शिक्षार्थी के साथ प्रत्येक स्थान पर है, इसलिए इसकी भूमिका विशिष्ट है। यदि परिवार एवं समुदाय सशक्त है, सचेत है, तो शिक्षार्थियों में गलत प्रवृत्तियां नहीं पनप सकती हैं। दूसरों के लिए सम्मान का भाव, तनाव एवं संघर्ष का सामना कर सकने की योग्यता, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकने की योग्यता, साथ रहने का कौशल, लर्निंग टू लिव टुगेदर जिसका जिक्र किया गया है, दूसरे के अस्तित्व के लिए स्वीकृति का भाव, को एग्जिस्टेंस, और इसके भी आगे को लिविंग का भाव, और पर्यावरण संरक्षण संबंधी कौशल, परिवार एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वहन का कौशल, व्यक्तित्व के अपेक्षित गुणों के विकास का कौशल आदि के विकास में समुदाय ज्यादा अहम भूमिका निभा सकता है, स्कूल से ज्यादा या शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा। यदि समुदाय के सदस्यों में यह गुण है तो शिक्षार्थियों में स्वाभाविक रूप से ये कौशल विकसित हो जाते हैं। शिक्षार्थियों, अपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।